आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के आखिरी लेक्चर पे आ गए हैं। 38वां लेक्चर जयपुर शहर, राजस्थान की कैपिटल जयपुर शहर और 10th मोस्ट पॉपुलर सिटी टूरिज्म के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पधारो हमारे देश। अगर टूरिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा भैया राजस्थान में ही जितने टूरिस्ट आते हैं ना, बाहर के भी और भारत के भी, वो राजस्थानी जाते हैं। बहुत पुराना है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं जयपुर की। जयपुर शहर की हम बात नहीं कर रहे होते अगर इसको 6 जुलाई 2019 वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित नहीं किया होता तो। भारत के लिए तो ये गर्व की बात है कि जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 38 यानी कि द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, जयपुर द पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है क्योंकि यहां पे जो बिल्डिंग्स है वो सारी गुलाबी हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल ऐप पॉकेट न्यूज लॉन्च हो गया है, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते फिरते पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कल्चरल साइट्स हैं, एक आखिरी बार रिपीट कर देता हूं। आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, नालंदा यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, चंपानेर, पावागढ़, सीएसटी, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, एलिफेंटा, एलोरा केव्स, फतेहपुर सीकरी, चोला टेम्पल्स, हम्पी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, महाबलीपुरम, पट्टाडकल, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान में है। और आपको बता दूं कि यहां पे जो आमेड़ फोर्ट है, ठीक है, आमेड़ का किला, वो भी जयपुर में है। तो जयपुर में बेसिकली दो हेरिटेज साइट हैं, एक तो आमेड़, दूसरा भी बताता हूं हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, फिर हुमायूं टूम्ब, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, महाबोधि, माउंटेन रेलवे, कुतुब मीनार, राम की वाव, रेड फोर्ट, रॉक शेल्टर्स एट भीमबेटका, सन टेम्पल एट कोणार्क, ताजमहल, ली कॉर्बूसियर के काम, जंतर मंतर जयपुर वाला, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो दो हेरिटेज साइट हैं जयपुर में, विक्टोरियन गॉथिक और जयपुर शहर की आज हम बात करेंगे। नेचुरल साइट्स की बात करें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा, क्योलादेव, मानस, नंदा देवी, सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट्स, मेघ कंजनजंगा। तो ये आखिरी बात मैं रिपीट किया। अब दोस्तों ये 38 लेक्चर इसको मिला के हो जाएंगे। आपके पास खजाना है ज्ञान का, इतिहास मैंने कवर किया है, आर्ट एंड कल्चर मैंने कवर किया है, जरूर पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से ओवरव्यू मिलेगा। जब आप टफ बुक्स पे जाएंगे तो आपको आसानी होगी, जब आप लेक्चर्स पढ़ के जाएंगे, ठीक है, लेक्चर्स देख के जाएंगे। तो जयपुर की बात करें भैया, तो जयपुर राजधानी है राजस्थान की, क्या बात है। राजस्थान जो कि बहुत ही पुराना स्टेट है, भारत का गौरव रहा है राजस्थान, मेवाड़ स्टेट के लिए, मेवाड़ के लिए हमेशा से ही यहां पे जंग होती रही है। स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दिल्ली से जो भी बिजनेस होना है बाहर से लोग यहीं से तो आएंगे, साउथ से जब आएंगे तो भी यहीं से आएंगे। कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और अलाउद्दीन खिलजी के समय से यहां पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अब ये पूरा जो पीरियड है मैंने कवर किया है, जरूर देखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की भी बायोग्राफी और सेपरेटली भी मैंने कवर किया है, तो लेक्चर सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर जब अकबर आता है, अकबर भी जीतने आ जाता है, लेकिन भैया उनके सामने महाराणा प्रताप खड़े होते हैं, महाराणा प्रताप की बायोग्राफी मैंने कवर की है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी कवर की है, तो ये चीज होती है। तो मेवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, यानी राजस्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन आजादी के बाद भैया सब कुछ भारत का हो गया। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर 31 लाख लोग रहते हैं यहां पे, 3.1 मिलियन लगभग, अभी ज्यादा हो गए होंगे, शायद 40 लाख के करीब हो गए होंगे 2021 में जब सेंसस आएगा हमको पता चलेगा। भारत की 10th मोस्ट पॉपुलस सिटी है, समझ गए, पिंक सिटी इसको बोला जाता है, दिल्ली से पास है, दिल्ली से काफी पास है। अगर आपके पास कार है तो आसानी से आप, कार से 4 घंटे लगते हैं, आसानी से आप जा सकते हैं। हाईवे भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही गोल्डन ट्रायंगल का ये पार्ट है, तो बहुत ही खूबसूरत हाईवेज है, देखने लायक है रास्ते। 268 किलोमीटर दूर है ये न्यू दिल्ली से, और दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑलरेडी यहां पे है, जंतर मंतर या आमेड़ फोर्ट। अब दोस्तों 6 जुलाई 2019 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। जो ये 43rd कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट की, वो हुई थी अजरबैजान बाकू में, याद रखना है आपको। दोस्तों ऐसा है ना
कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के पैरामीटर्स होते हैं। मेरा पहला लेक्चर देख लीजिएगा, यूनेस्को क्या क्या कंसिडर करता है, ठीक है ना, क्या क्या वो देखता है। मेन चीज यही होती है कि कल्चर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर देश का कल्चर उसके आर्किटेक्चर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, घोषित करो तुरंत वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करो। दूसरी चीज, पुराना होना चाहिए, पुरानी बिल्डिंग्स और जबरदस्त काम होना चाहिए। भारत में भरे पड़े हैं। वैसे चाइना दोस्तों, चाइना एशिया में नंबर वन है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट एशिया में चाइना के पास है। तो चाइना की बात करें, उसके पास अच्छी खासी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं भूल गया उनके पास कितनी है, शायद 53 या देख लीजिएगा, शायद 53 उनके पास। भैया भारत भी पीछे नहीं है, भारत के पास भी 38 है, लेकिन चाइना कोशिश कर रहा है कि जितनी ज्यादा हो सके वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसकी घोषित हो जाए। क्यों रे, टूरिज्म आएगा ना, टूरिज्म आएगा, बाहर से पैसा आएगा, बाहर से टूरिस्ट आएंगे, रेवेन्यू आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा। टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है ना किसी भी देश के लिए। भारत के पास खूब सारा आता है, राजस्थान है। राजस्थान वैसे बहुत ही मतलब ऐसे, अगर भारत की बात करें, वैसे तो घूमने लायक भारत में बहुत ज्यादा जगह है, ठीक है। भारत के कल्चर को एक्सप्लोर करने लोग आते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन राजस्थान में हर शहर घूमने लायक है। कहां कहां आप घूमेंगे दोस्तों, हर शहर यहां पे घूमने लायक है। यहां पे थार डेजर्ट चले जाइए, रेगिस्तान आप देख लीजिए। यहां पे उदयपुर चले जाइए, झीलें आप देख लीजिए। पुष्कर चले जाइए, दर्शन कर लीजिए। यहां पे अजमेर शरीफ चले जाइए। तो कहां कहां, हर जगह राजस्थान में घूमने लायक है, ठीक है ना। और जयपुर एक तरीके से जंक्शन है। जयपुर की बात करें, वैसे तो ये गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा था, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिल्ली आगरा और जयपुर को जोड़ता है, ट्रायंगल बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और हम ये देखते हैं कि जब आप जयपुर जाएंगे, आप जयपुर सबसे पहले जो राजस्थान में आप शहर जाएंगे वो जयपुर ही जाएंगे। तो जब आप वहां पे पहुंचे तो और शहर भी जरूर जाइएगा। जोधपुर जाएंगे, जोधपुर भी वहां पे 348 किलोमीटर दूर है। जैसलमेर जाइए, 571 किलोमीटर दूर है। उदयपुर बहुत ही खूबसूरत, झीलों का शहर। अच्छा, यहाँ पे झील बहुत सारी हैं, ठीक है ना। अगर आप देखें राजस्थान में झीलों का प्रचलन बहुत ज्यादा है। इवन जयपुर में भी झील, जयपुर के भी जो किले हैं ना, वो झीलों के बीचों बीच है, या आपको झील मिलेगी ही मिलेगी। क्यों ऐसा है, देखिए इसका एक तो बहुत वैलिड रीजन ये भी है कि पानी की राजस्थान में कमी रहती है। मतलब भैया लूनी, चलो ठीक है, लूनी रिवर बहती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है राजस्थान में ज्यादा। क्यों बारिश नहीं होती है, चलिए मैं ही बता देता हूं, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में नहीं पूछूंगा। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है ना, मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी में जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, भारत का मैं बहुत ही गंदे तरीके से मैंने बताया बनाया, ठीक है। जैसे ये भारत है, तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, ठीक है, भारत में जो प्रवेश करता है, अब ऊपर जाता है वो, ठीक है ना, आपको पता ही है ना भैया, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर सब कुछ जाएगा। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, अब ज्योग्राफी में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बहुत ही अलग लेक्चर हो जाएगा वो। तो दोस्तों यहां पे है अरावली। अब अरावली बिल्कुल पैरेलल है इन हवाओं के, तो प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। जो अरावली है, जो अरावली श्रेणी है, पूरे राजस्थान को कवर करती है। साउथ वेस्ट विंड्स जो हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून है जो वेस्ट से आने वाली हवाएं हैं, जो बारिश लेके आती हैं, वो बिल्कुल निकल जाती हैं, अरावली को छूती भी नहीं है, क्योंकि अरावली बिल्कुल इनके पैरेलल है, समझ गए ना। इस तरीके से अगर अरावली और इस तरीके से हवा निकल जाएंगी तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती, तो प्रॉब्लम है। अब वहां पे बारिश नहीं होगी, इसीलिए तो थार डेजर्ट है वहां पे, रेगिस्तान है, भारत का एकमात्र और सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक, ये चीज। तो अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में बहुत सारी चीजें घूमने लायक है, और जयपुर तो एकदम गढ़ है। 2015 में जयपुर को तो भारत, यहां पे भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जयपुर में आए थे, और आज भी लाखों लाखों टूरिस्ट। और अब तो भैया जब से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, तब से तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। अब तो समझ लीजिए जयपुर में टूरिस्ट की भरमार होनी होनी है। एक चीज और है, अब ठंडियां भी आ रही हैं, और राजस्थान ठंडियों में तो देखने लायक होता है। गर्मियों में तो भयंकर गर्मी पड़ती है, बारिश होती नहीं, ठीक है, सेमी एरिड रीजन है, बारिश होती नहीं, ठीक है। ठंड में 20 डिग्री सेल्सियस खुशनुमा मौसम रहता है, बहुत टूरिस्ट आते हैं। इस समय अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हैं तो राजस्थान जरूर जाइए, मजा आ जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इतिहास की बात करें जयपुर की, 1727 में बनाया गया था जयसिंह ने, आमेर से कैपिटल शिफ्ट कर दी थी जयपुर, ठीक है।
जय सिंह की बात करें तो उन्होंने ही जंतर मंतर बनाया था। जंतर मंतर की बात मैंने पिछले लेक्चर में की है। भारत में 5 जगह जंतर मंतर है, मैंने बताया था कहां कहां पे है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कहां कहां पे है, रिविजन हो जाएगा आपका। और सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर में है। तो 1699 से लेकर 1743 तक इन्होंने रूल किया, ठीक है, जयपुर को। मतलब जयपुर तो 1727 में बना, राजा ऑफ आमेर थे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। आमेर का किला 11 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्होंने बुलाया एक बहुत बड़े आर्किटेक्चरल गाइड को, आर्किटेक्ट को, विद्याधर भट्टाचार्य। उन्होंने यहां की बिल्डिंग्स बनाई, यहां की रोड्स बनाए, यहां के किलों को डिजाइन किया। तो विद्याधर भट्टाचार्य की बात करें दोस्तों, तो इनका बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने 9 ब्लॉक्स बनाए थे, 2 तो सरकारी बिल्डिंग्स थी और बाकी 7 ब्लॉक्स जो थे वो पब्लिक के लिए इन्होंने खोल के रखे थे। तो पूरे शहर का डिजाइन कुछ इस तरीके से है। साथ ही साथ इन्होंने रैंप्स बनवाए हैं और पूरे शहर में बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी, समझ रहे हैं ना, जहां पे गेट लगा दिए थे। पूरे शहर में जो दीवार है ना, जो फोर्ट्स हैं, फोर्टिफाइड वॉल्स हैं, 7 गेट्स हैं टोटल। तो इतनी आसानी से जयपुर को इस तरीके से बनाया गया था कि आप इसको इन्वेड कर ही नहीं सकते। हालांकि उस समय तो इन्वेजन की कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि भैया बहुत बड़े लुटेरे भारत में ब्रिटिशर ऑलरेडी आ गए थे, तो सारी जो इन्वेजन की पॉसिबिलिटी है वो वहीं खत्म हो गई थी। फिर मुगल्स का भी वहां पे अगर हम बात करते हैं औरंगजेब के बाद, तो मुगल्स का भी एक डिक्लाइन फेज शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं जयपुर के कंस्ट्रक्शन की, तो 1726 में शुरू हुआ, 1730 में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाया, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों ऐसा हुआ 1876 में कि एल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में भारत के भी एम्परर बन गए, वो जब यहां पे आए तो उस समय जो राजा सवाई राम सिंह थे उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी कर दिया कि मेहमान आ रहे हैं तो पूरे शहर को सजा दो। तब से ये पिंक सिटी बोला जाने लगा और यहां पे आपको सब कुछ पिंक पिंक मिलेगा, क्या बात है। 31 लाख की पॉपुलेशन है यहां पे, लिटरेसी रेट बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है, 85% यहां का लिटरेसी रेट है, बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है, बड़ी खुशी होती है देख के। 91% मेल्स लिटरेट हैं, 78% फीमेल लिटरेट है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सेक्स रेशियो की बात करें दोस्तों तो 898 फीमेल्स है हर 1000 मेल्स पे, ठीक है, 2011 का सेंसस है। मेजोरिटी डेफिनेटली हिंदूज हैं 78%, फिर मुस्लिम्स हैं 19%, जैन्स है 2.5% और बाकी 1.2%। जो भी त्योहार होता है सब मिल बांट के मनाते हैं। वैसे तो अगर बात करें तो राजस्थानी जायका तो बहुत ही फेमस है, क्या बात है भैया, राजस्थानी जायका की बात करें, दाल बाटी हो गया, चूरमा हो गया, मिस्सी रोटी हो गई, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी, लाल मांस, हालांकि मैं वेजिटेरियन हूं, प्योर वेजिटेरियन हूं, तो मैं तो लाल मांस नहीं खाता, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ये लाल मांस जो है वो तो ट्रीट होगा, ठीक है ना। मिठाई की बात करें तो घेवर, मावा कचौरी, मूंग दाल की जो बर्फी होती है, गुजिया, गजक, बहुत सारी खाने की वेराइटीज तो राजस्थान में कमाल है। राजस्थानी थाली बहुत फेमस भी है, आपको पूरे भारत के जहां पे भी जाएंगे हर रेस्टोरेंट में आपको राजस्थानी थाली मिली जाएगी, ठीक है ना। तो बड़ी फेमस है भैया यहाँ की थाली और खाना बड़ा लजीज है। जो भी जयपुर से है कमेंट बॉक्स में जरा अपने शहर की तारीफ तो कर दो, और जो अभी शहर विजिट किए हैं वो भी जरा तारीफ कर दे, बिल्कुल करें। तो हम यहाँ पे देखते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है जयपुर में, इतनी जगह है घूमने लायक कि कम से कम 4 से 5 दिन लेके जाइए तभी आप घूम पाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी जगह है। और उसके बाद फिर राजस्थान के और भी जगह आप जा सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हवा महल, भैया हवा महल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे महल में खिड़कियां ही खिड़कियां आपको दिखेगी। जल महल की बात करें तो झील के बीच में सुंदर सा किला बोल रहा हूं, सुंदर सा पैलेस है। फिर सिटी पैलेस की मैं फोटो नहीं लगा पाया, आई एम रियली सॉरी। आमेर फोर्ट, ठीक है, जंतर मंतर मैं बता चुका हूं, नहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट को ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो 6 फोर्ट ऑफ राजस्थान है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। फिर जयगढ़ फोर्ट, बिरला मंदिर, मोती डूंगरी, गणेश टेम्पल, टेम्पल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैन टेम्पल है, सांगी जी जैन टेम्पल, और जयपुर जू तो देखने लायक है।
हाल ही में जयपुर मेट्रो भी चल गई, हालांकि अभी पूरे शहर में वो नहीं चली है, पहला फेज, अभी दूसरा फेज जो है वो 2020 तक पूरा होगा, पहला फेज उसका पूरा हो गया, आई थिंक 9 स्टेशन तक चली है वो, लेकिन बढ़िया है। मेट्रो अगर जहां पे चल गई तब तो कोई टेंशन ही नहीं, आपका पैसा ही बच जाएगा, टैक्सी में क्यों देना है भैया, मेट्रो पकड़ो, हर प्रोमिनेंट जगह पे मेट्रो कनेक्ट होगी, बहुत ही बढ़िया। हालांकि जब जयपुर मेट्रो चली थी तो पूरी खाली जाती थी वो, और अभी तो मुझे नहीं पता स्टेटस क्या है, तो वहां पे ये भी बोला जा रहा था कि बेकार में ही मेट्रो जो है वो चलाई गई है। भैया यहाँ पे जो होटल्स है बड़े महंगे महंगे हैं, जो भारत में सबसे महंगी शादियां है वो उदयपुर में होती है और जयपुर में होती है, आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होटल्स हैं, वो कौन थे, प्रियंका चोपड़ा, शायद उनकी शादी भी यहीं पे ही हुई थी, ठीक है। तो भैया बड़े बड़े लोगों की शादी यहाँ पे होती है, करोड़ों अरबों का बिल आता है, इवन यहाँ पे जो राज पैलेस होटल है 45,000 US डॉलर, अरे बाप रे, इतने में तो भैया करोड़ों रुपए है ये, कितने लोग मतलब पूरी पुश्ते खा ले, है ना, एक नाइट का ये किराया है, प्रेसिडेंशियल सुइट है। बात करें अगर इसकी तो CNN वर्ल्ड 15 मोस्ट एक्सपेंसिव होटल सूट्स में 2012 में ये शामिल थे। तो यहां पे हम देखते हैं कि बड़ी महंगी जगह भी है, तो हर चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हवा महल की बात करें तो हालांकि अभी हमने इसकी पिक देखेंगे अभी हम, तो ये 5 स्टोरी पिरामिडल शेप की बिल्डिंग है जिसमें 953 विंडोज हैं, बहुत ही खूबसूरत, इसीलिए हवा आती रहती है, वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, 15 मीटर ऊंचा। उसके बाद दोस्तों अगर कल्चर की बात करें, क्या बात है, वाह, कल्चर तो कमाल का है, राजस्थानी कल्चर की तो पूरी दुनिया में पूछ है, कल्चर को ही तो दूर दूर से लोग देखने आते हैं। इवन दोस्तों क्या है कि देश में बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे महोत्सव लगता है, ठीक है ना, वहां पे भी स्पेशल जो ट्रीट होती है ना वो राजस्थानी कल्चर होता है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल शॉप्स मिलेगी, ज्वेलरी का काम बहुत बढ़िया है, आर्टिस्ट आर्ट क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट का काम बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा, ठीक है ना, ये चीज आपको सब देखने को मिलेगी। यहाँ के आर्ट एंड आर्टिस्ट जो है, क्राफ्ट्समैन जो है, वो बहुत ज्यादा फेमस थे, दूर दूर जाते थे काम करने के लिए, ठीक है ना, इतनी ज्यादा इनकी इमेज थी, जबरदस्त इमेज थी। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि यहाँ पे फोक डांसर्स भी बहुत ज्यादा फेमस है, फोक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सारे घराने भी आपको राजस्थान में मिलेंगे, ठीक है ना, घूमर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस स्टाइल है वो यहाँ पे फेमस है, तमाशा जो कि अगेन है, ठीक है ना, ढेर सारे जितने भी हैं, मकर संक्रांति, होली, दिवाली, दशहरा, तीज, ईद, महावीर जयंती, क्रिसमस, बड़ी हैपनिंग प्लेस है दोस्तों जयपुर में, तो जो रह रहा है भैया वाकई बहुत लकी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब कुछ हम पिक्स देख लेते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों पूरे शहर का नजारा आमेर फोर्ट से, कितना खूबसूरत है, पूरा शहर आपको दिखेगा, पूरा शहर पहाड़ों पे ही बसा है, अरावली रेंजेस कवर करती हैं, बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ पे राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन भी है माउंट आबू, वो भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। उसके बाद ये देख लीजिए दोस्तों, ये ट्रेड सेंटर है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2012 की पिक है ये। फिर ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए दोस्तों, ये है जल फोर्ट, अब कितना खूबसूरत है ये, एक तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको बड़ी सी झील मिलेगी, झील के बीचों बीच ये जो जल फोर्ट है, ये जो महल है ये लोकेटेड है, कितना खूबसूरत है, वाह क्या बात है। ये जंतर मंतर, जंतर मंतर मैं आपको मतलब उसका लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। फिर ये पूरा आप देख लीजिए जंतर मंतर का इस तरीके से व्यू, रेयर व्यू देख लीजिए, ये पूरा बनाया गया, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे यंत्र लगे, टोटल 26 यंत्र है टाइम को मेजर करने के लिए, और स्टार्स, मून्स, सन्स, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की पोजीशंस को मेजर करने के लिए सारी चीजें लगी हुई हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आमेर फोर्ट का टॉप व्यू है, ठीक है, ऊपर से कैसा लगता है फोर्ट देख लीजिए भैया, देख रहे ना, ये पूरी वॉल जो है ये चली आ रही है, इसीलिए भैया पूरे शहर को ही फोर्टिफाई कर दिया गया था, बड़ा ही खूबसूरत है। ये हवा महल है, ठीक है, अगर आप गिनने बैठेंगे, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, गिनने बैठेंगे तो 953 विंडोज है, इसीलिए इतनी सारी हवा आती है यहाँ पे। ये रियर व्यू है, दूर से देख लीजिए हवा महल कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है भैया जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट देख ही सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे बालकनीज में खड़े होंगे नीचे मत देखिएगा, एकदम हालत खराब हो जाएगी जिनको ऊंचाई से डर लगता है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये अगेन टॉप व्यू है जयगढ़ फोर्ट का, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों ये घाट की गुनी टनल है, ठीक है ना, NH 11, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिल्ली से जयपुर को कनेक्ट करने वाली, तो जब आप जयपुर शहर जाएंगे
ये आपको टनल मिलेगी, बड़ा ही खूबसूरत है। टनल्स वैसे होता क्या है, पहाड़ को काट के, पहाड़ बीच में है तो काट के गुफा बनाई जाती है, टनल बनाया जाता है। बहुत बढ़िया है, रास्ता मिल गया, क्या बात है। तो दोस्तों जरूर जाइए जयपुर, घूमिए फिरिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये सीरीज खत्म हो गई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सीरीज फाइनली खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस सीरीज को सुनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ज्ञान हासिल किया होगा और आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच।